गुड मॉर्निंग बच्चों, अगेन मैं क्लास सिक्स के लिए चैप्टर सेवन लेकर आया हूं। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब जिंदा लोगों का वर्ल्ड कैसा होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम सब इस चैनल्स पे पढ़ाई कर रहे हैं क्लास सिक्स के लिए चैप्टर सेवन, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी करते रहूंगा। बच्चों, इस वीडियोस में आप सिर्फ सेक्शन ए, बी, सी और डी का ही क्वेश्चन आंसर देख पाएंगे, क्योंकि सेक्शन ई का क्वेश्चन आंसर आपके नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कलेक्टिवली नोन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है, अगर इन तीनों को मिलाकर हम बात करें तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको मालूम है प्लांट्स भी जिंदा चीज है, एनिमल्स भी जिंदा चीज है और ह्यूमन बींग्स भी जिंदा है। तो इसका मतलब इन तीनों को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा आते हैं, अमीबा इज एन डैश ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि आखिर ये यूनिसेलुलर का मतलब क्या है। यूनि का मतलब होता है वन या सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल। सेल का डेफिनेशन अगर हम देखा जाए तो हम बोलते हैं इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक चीज कॉमन रहता है, दैट इज अ सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ हो, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, इट इज नोन एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसका एक एग्जांपल है अमीबा। जनरली ये एनिमल कैटेगरीज में आता है और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मुझे समझ में आपको लग रहा होगा कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया। जो बच्चे नहीं जान रहे थे, यूनि कहने का मतलब वन या सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल, जो एक ही सेल का बना हुआ है, यानी अमीबा एक ही सेल का बना हुआ है। So it is a unicellular organism, ठीक है। The process used by the plants to synthesize their own food is known as photosynthesis. ये सबको मालूम है, क्लास 3-4 के बच्चे भी जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। प्रोसेस मतलब तरीका, प्रक्रिया। तो प्लांट्स जो है वो एक ही प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, डेट इज अ फोटोसेंथेसिस, और जनरली ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं। नेक्स्ट वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिम्यूलस। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को स्टिमुलस को समझने के लिए। तो बच्चों एक खास देना, यहां लिखा है रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्स कौन करेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे। जैसे आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस दिया जाता है तो आप उसको रेस्पॉन्स करते हो। क्लासेस में अगर टीचर्स कुछ पूछते हैं तो आप उसका रेस्पॉन्स करते हो। उसी तरह स्टिमुलस का मीनिंग क्या है ये हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप एक रात के समय कहीं पर सफर कर रहे हैं और सामने से कोई कार का हेडलाइट जलाकर आ रहा है जो आपकी आंखों में चुभ रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी आंखों को उस लाइट से हटाते हैं, या अपने हाथों से अपने आंखों को ढकते हैं, या फिर अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, जो लाइट आ रहा था आपके व्हीकल से, सामने वाले व्हीकल से, वो हो गया स्टिम्युलस। और चूंकि आप एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए आपने जो किया वो हो गया रेस्पॉन्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रेस्पॉन्स और स्टिम्युलस जनरली आपके लिविंग और नॉन लिविंग के अंतर में हम कर सकते हैं, या दोनों के डिफरेंस को हम समझने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। रेस्पॉन्स टू स्टिम्युलस हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, आप लोगों ने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा। टच मी नॉट, जिसके पत्तियों को छूने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती है ना, श्रिंक कर जाती है। तो ध्यान से समझो, अब खुद से सोचो कि इसमें रेस्पॉन्स क्या हुआ और स्टिमुलस क्या हुआ। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं बच्चों, रेस्पॉन्स जो होगा वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे। तो ध्यान दो, टच मी नॉट प्लांट, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अभी हमने ऊपर में पढ़ा था प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो आपने टच किया, आपका जो टच है, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलस, ठीक है। मतलब आपके टच के कारण ही वो श्रिंक किया, उसकी पत्तियां श्रिंक की, और आपका जो टच हो गया वो हो गया स्टिमुलस। और उसने क्या किया, अपनी पत्तियों को सिकुड़ लिया, श्रिंक कर लिया। सो द श्रिंकनेस ऑफ द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम लाजवंती प्लांट भी कहते हैं, ये एक तरह का रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का आंसर है, ठीक है। दूसरा और देख सकते हो, अर्थवर्म आपने देखा होगा। अर्थवर्म को आपने देखा है कि हमेशा वो जमीन के अंदर रहना चाहता है। जमीन के अंदर मतलब सूरज की रोशनी में नहीं आना चाहता। तो अब देखो यहां समझो, सन का जो लाइट हो गया वो हो गया स्टिमुलस, और रेस्पॉन्स हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे। तो अर्थवर्म इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका क्या मूवमेंट है, गोइंग डाउनवर्ड टू द अर्थ। तो इसका मतलब वो हो गया रेस्पॉन्स। कभी भी दोनों में अंतर समझ में ना आए तो याद रखना, जिसके चलते
लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई भी काम ऐसा कर रहा हो, वो हो गया स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस के चलते जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करेंगे दैट इज द रिस्पॉन्स। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट फाइव नंबर, डैश आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स को किस नाम से जानते हैं? हर्ब्स, आपने सुना होगा हर्बल टी, ठीक है, हर्ब्स, जिसमें आपके तुलसी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स को हम जनरली रखा जाता है जो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। मूव करते हैं नेक्स्ट वन, सेक्शन बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आप लोग हमेशा फुल लिखिए, फॉल्स FALSE और TRUE। देखिए पहला है अमीबा इज ए प्लांट, मैंने अभी ऊपर बताया कि अमीबा इज नॉट अ प्लांट, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी वो एनिमल्स कैटेगरी में आएगा, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेनी वेरिएशंस ड्यू टू देयर हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। बच्चों ध्यान देना, ये दो वर्ड यूज हुआ है, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। हैबिटेट का मतलब है बच्चों रहने की जगह, ठीक है, जैसे फिश लिव्स इन वाटर, तो फिश जो है वो पानी में रहती है, मतलब वाटर इज अ हैबिटेट ऑफ द फिश, ठीक है, जो रहने की जगह होती है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। स्पेलिंग चेक करना, हैबिट के आगे ATS लगा हुआ है, और यहां पर हैबिट है, हैबिट कहने का मतलब आदत, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, हैबिट्स मतलब आदत। तो क्वेश्चन ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जिबिट मतलब दिखाना, शो करना, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने जिंदगी में अपने हैबिटेट, अपने रहने की जगह और हैबिट्स के चलते बहुत तरह के वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब चेंजेस शो करते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे कैमल जो होता है वो डेजर्ट में ही रह सकता है, उसका रहने का घर डेजर्ट है, और वो उसका हैबिट है कि वो पानी को बहुत दिनों तक अब नहीं बिना पिए भी रह सकता है, तो उसके चलते वो डेजर्ट में रह सकता है। पोलर बियर के वेरिएशंस के चलते, उनके बॉडी में बॉडी फर के चलते, देखते हो ना कितने बड़े बड़े बाल होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, तो उसके चलते वो ठंडे वाले रीजन्स में ज्यादा रह सकता है। क्लियर है? उसके बाद आके आते हैं मेनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, इसका आंसर क्या होगा? इट इज अ ट्रू, सही बात है। मेनी नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मोल्डेड इन द डिफरेंट फॉर्म्स और शेप, क्या नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स में आ सकते हैं? फॉल्स, इट्स नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स डाई, क्या हर जिंदा लोग मरते हैं? बिल्कुल, ये सबसे बेसिक और सबसे बिटर ट्रूथ है लाइफ का, कि जो जिंदा लोग होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, उनको एक ना एक दिन मरना पड़ता है, बिकॉज दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। ठीक है, ये इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रोफाइट। बच्चों फाइट मतलब प्लांट्स, हाइड्रो मतलब पानी, यानी लोटस जो है क्या पानी में रहने वाला प्लांट्स है? एग्जैक्टली, इट इज राइट वन, इट इज अ ट्रू। तो अब देखो यहां हाइड्रोफाइट का डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा, क्या होगा हाइड्रोफाइट, क्या होता है? तो हम क्या बोल सकते हैं, दोज प्लांट दैट लिव्स इन वाटर दे आर नोन एज अ हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल में लोटस, वाटर लिली, हाइसेंथ, ऐसा आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट पॉजेस अ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? इनवर्टिब्रेट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होता। ठीक है, यानी जिसमें बैकबोन नहीं रहे उसको हम, उस एनिमल्स को हम किस कैटेगरीज में डालते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, और जिसमें बैकबोन होगा उसमें वर्टिब्रेट्स, जैसे स्नेल हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब अनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल है। सो इट इज अ ट्रू, डो नॉट पॉजेस लिखा है, मतलब उसमें बैकबोन नहीं होते, सही, उसमें बैकबोन नहीं होते। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। ओके, सेक्शन सी जो है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, इसलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और अपने बुक्स को भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्लांट्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मेरा ऑप्शन था यहां पर जो बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा बुक में, सबसे पहला दिया हुआ है नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ऑल प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफिक, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स आर सैप्रोफाइट। तो बच्चों जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, जो हरे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद से बनाते। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ श्रब्स। बच्चों याद करो, हर्ब्स छोटे प्लांट होते हैं और श्रब्स जो होता है वो मीडियम साइज प्लांट होते हैं। अगर कोई पूछे डिफाइन श्रब्स, तो हम बोलेंगे द मीडियम साइज प्लांट्स आर नोन एज अ श्रब्स। और ट्रीज क्या होते हैं? जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। तो इसमें देखो, ऑप्शन जो हम लोगों का दिया हुआ था वो कुछ ऐसा था कि इसमें एक रोज का भी ऑप्शन दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंगो, नीम, तुलसी, ये सारे भी एग्जांपल्स दिए हुए। तो आप देखो जनरली इसमें जो रोज होता है वो श्रब्स के एग्जाम्पल में ज्यादातर आता है, क्योंकि तुलसी जो है उसको हम हर्ब्स में लेते हैं हर्बल बिहेवियर के चलते। नेक्स्ट वन, विच वन अमॉन्ग दिस इज नॉट अ प्लांट, इसमें से कौन ऐसा है
नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट मतलब इसमें फ्लावर्स नहीं होते। तो ऑप्शन बच्चों दिया है ग्रास, एल्गी, रोज और मैंगो। बच्चों एक खास बात ध्यान देना, जितने भी फल वाले प्लांट्स है ना उसमें फूल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है क्लास कि जो भी सिक्स के बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि फूल होने के बाद ही फल आते हैं। तो इसका मतलब इसमें एल्गी, एल्गी क्या होता है बच्चों? बच्चों देखो आपने देखा होगा जहां पर पानी बहुत ज्यादा गिरता है वहां हरे रंग का काई जम जाता है, उस काई को हम एल्गी कहते हैं। अब हरा रंग है इसका मतलब उसमें जरूर क्लोरोफिल है और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा परफॉर्म करते हैं, तो और उसमें फ्लावर्स नहीं आते, इसका मतलब इट इज अ एल्गी प्लांट, नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट। नाम से पता चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, मतलब उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। ओके, तो इसका आंसर हो गया एल्गी। एल्गी मतलब काई, जो वहां हरा हरा रंग का जहां पानी गिरता है उस जगह पर आता है। मूव करते हैं फोर्थ वन की तरफ। बाइनियल प्लांट्स आर दोस प्लांट्स व्हिच लिव फॉर 2 years। देखो बच्चों यहां बाई, जैसे यूनिसेलुलर में यूनी का मतलब वन था, उसी तरह बाइनियल का मतलब हो गया 2। तो अगर कोई पूछता है डिफाइन द बाइनियल प्लांट्स, तो आप बोल सकते हैं दोस प्लांट्स दैट लिव फॉर 2 seasons। वैसे प्लांट जो 2 season में, 2 season तक उसका लाइफ स्पैन होता है, उसको हम बाइनियल कहते हैं। जैसे जनरली 3 तरह के प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन, एक होता है एनुअल्स, एक होता है बाइनियल और एक होता है पेरेनियल्स। तो एनुअल मतलब जैसे बोलते हैं ना एनुअल एग्जाम, साल में एक बार आएगा, एक सीजन होगा। तो जो एक सीजन के लिए, आप ईयर मत लिखिएगा, सीजन लिखिएगा, जो एक सीजन तक जिंदा रहते हैं जिनका लाइफ स्पैन होता है उसको हम एनुअल्स कहते हैं, जो 2 season के लिए रहते हैं उनको बाइनियल्स कहते हैं, और 2 से ज्यादा जो रहेंगे उनको हम पेरेनियल्स कहेंगे। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, बहुत बहुत सीजन तक जिंदा रहते हैं ना, बारिश देखते हो ना कितने साल तक जिंदा रहते हैं, तो इनको हम पेरेनियल्स कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बाइनियल प्लांट्स कहां तक, कब तक जिंदा रहते हैं, 2 years। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक चीज कॉमन रहता है, दैट इज अ सेल। जल्दी से इसका डेफिनेशन कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या आपको सेल का डेफिनेशन याद है। जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं उनको कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो वाकई समझ रहे हैं या नहीं। सेल का डेफिनेशन अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? तो जल्दी से इसको याद करिए, इट इज द बेसिक वन, आपके क्लास 10, 11, 12 तक ये काम करता है और आपको समझ में भी आना चाहिए। नेक्स्ट वन, 6 नंबर, विच ऑफ दीज इज एन इनवर्टिब्रेट। अभी बात हुई थी इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिसका बैकबोन नहीं होता, बैकबोन जिसका नहीं होता। आंसर देखिए, ऑप्शन जो दिया था उसमें आंसर होगा स्नेल, क्योंकि जो ऑप्शन दिया था उसमें था स्नेल, स्पैरो, कोबरा एंड फ्रॉग। तो देखो स्पैरो, कोबरा और फ्रॉग सब में हड्डियां होती हैं, बैकबोन होते हैं, लेकिन जो स्नेल्स होता है उसमें आपका बैकबोन नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए परफेक्ट है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर पाए। ओके, मूव करते हैं सेक्शन डी की तरफ, दैट इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके बच्चों, अब मूव करते हैं सेक्शन डी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सबसे पहला है नेम एनी 3 important characteristics ऑफ द लिविंग बींग्स। 3 important characteristics बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसके गुण बताइए। किसके गुण? लिविंग बींग्स के गुण, जो जिंदा लोग होते हैं उसके गुण। तो देखो मैंने लिखा था 3 important characteristics ऑफ द लिविंग बींग्स आर एज फॉलोज। ये नीचे है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। मैंने कहा था हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, उसका डेफिनेशन आप मुझे बता रहे हैं। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ है। लाइफ स्पैन मतलब जिंदा रहने का टाइम, हर ऑर्गेनिज्म का एक टाइम रहता है। जैसे बोलते हैं ना ह्यूमन बींग 70 years तक रहते हैं, डॉग्स जो होता है वो 12 years तक रहता है। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ टाइम है, उसी को स्पैन बोलते हैं। स्पैन मतलब टाइम, लाइफ स्पैन जिंदा रहने का टाइम, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, फिक्स टाइम है। नेक्स्ट वन, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। हर जिंदा चीजों को फूड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए क्या आपको फूड एंड वाटर चाहिए? अगर यस तो कमेंट कीजिए, यस वी नीड द फूड एंड वाटर एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके चलिए मूव करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। बच्चों आप ये हमेशा पढ़ते आए, फर्स्ट चैप्टर में था। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो कौन अपना खाना खुद से बनाता है? ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। तो देखो देखो क्या लिखा है मैंने, ऑटोट्रॉप्स मतलब द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दीज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ ग्रीन प्लांट। अब आपके मन में, कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी क्वेश्चन था कि सर हमारे घर में मम्मी भी तो खुद से खाना बनाती है, तो क्या हमारी मम्मी ऑटोट्रॉप्स हैं? बिल्कुल नहीं। मम्मी आपका जो खाना बनाती है बच्चों, वो खाना आता कहां से है? वो खाना या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि मम्मी ने अपने हाथों को हटाया और डायरेक्टली जादू करके बोली कि चलो रोटी आ जाओ हाथ में, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब
नॉमी ऑटोट्रॉप्स नहीं है, इसका मतलब कि वो डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर, यानी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बच्चों वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इनको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब चूंकि यह हमारा चैप्टर था लिविंग प्लांट्स के लिए, तो हम प्लांट्स के ऊपर बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स। बच्चों बहुत लोगों को डिफिकल्टीज है कि हेटरोट्रॉप्स कहने का मतलब सिर्फ क्या एनिमल्स होता है? नहीं बच्चों, देखो मैंने यहाँ प्लांट्स का लिखा है क्योंकि आपके बुक में यहाँ प्लांट दिया हुआ था, तो हेटरोट्रॉप्स मैंने क्या लिखा, दोज प्लांट दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बच्चों कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ठीक है, तो वो प्लांट्स को, और वो क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन द फूड सिंथेसाइज बाय अदर प्लांट्स और एनिमल, वो फूड के लिए अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भरोसा करते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे मशरूम, मशरूम जो आप खाते हैं वो एक तरह का प्लांट है। डॉडर, डॉडर को हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी झाड़ियों में येल्लो येल्लो रंग का बहुत सारा लताएं निकली हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड द डॉडर। तो डॉडर और मशरूम ये हेटरोट्रॉप्स है, और आपने पढ़ा भी है हेटरोट्रॉप्स मतलब एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये चैप्टर्स में आपके प्लांट्स के बारे में दिया हुआ था इसलिए मैंने सिर्फ प्लांट्स को डिसाइड किया है। ओके, तो यहां पर आप प्लांट्स के बदले सिंपल ये भी लिख सकते थे दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी। अच्छा, एनिमल्स का एग्जांपल देंगे तो बहुत सारे एग्जांपल, सारे एनिमल्स जो हैं वो आपके हेटरोट्रॉप्स ही हैं, क्योंकि कोई एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बनाता, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है मैंने प्लांट्स को लेकर यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ एनुअल बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स। अभी बच्चों ऊपर मैंने बात किया था बाइनियल के लिए, बाइनियल मतलब जो दो सीजन के लिए जिंदा रहता है, पेरेनियल मतलब जो दो से ज्यादा सीजन के लिए जिंदा रहता है, और एनुअल मतलब जो एक सीजन के लिए। तो आपको एग्जांपल देना है वैसे प्लांट का, तो देखो एनुअल मतलब सीजनल फ्लावरिंग प्लांट। देखो जैसे आपका अगर आप गार्डन है आपके घर में तो आप कुछ प्लांट्स लगाते हो, तो वो फूल वाला प्लांट जो होता है वो एक ही सीजन जिंदा रहता है। जैसे आप मैरीगोल्ड लगा दिए गेंदा फूल, तो वो देखते हो ना ठंडे के मौसम में रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाता है ना, फिर हम उसके दूसरा प्लांट लगाते हैं। क्रॉप्स जो होता है एक ही सीजन के लिए रहता है, आप धान लगाते हो, पैडी लगाते हो, वीट लगाते हो, मेज लगाते हो, बस एक ही टाइम रहेगा, उसके बाद आप उसको निकालते हो फिर दूसरा लगाते हो। बाइनियल्स मतलब जो दो सीजन के लिए, कैरेट एंड रेडिश, गाजर मूली जो होता है वो बाइनियल्स है। पेरेनियल्स मैंगो एंड नीम, मैंगो प्लांट एक बार लगा दिए बहुत सीजन तक रहेगा, नीम प्लांट लगा दिए बहुत सीजन तक रहेगा, इसका मतलब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पेरेनियल प्लांट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो वन सीजन, टू सीजन और थ्री सीजन तक अपना लाइफ स्पैन को रखते हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। ओके, फोर में देखिए, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द एनिमल्स व्हिच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वैसे एनिमल का एग्जांपल देना है जो अंडे देकर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। आंसर देखो फिशेस एंड बर्ड्स, फिश भी अंडा देता है और बर्ड्स भी अंडा देता है। नेक्स्ट वन, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, एक अंडे को जन्म देते हैं और एक बच्चों को, बच्चों के इसमें काउज एंड ह्यूमन बींग्स, ये आपको यंग वंस मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइव नंबर, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। बच्चों एग्जांपल देना है वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके पास बैकबोन रहता है, या इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनका बैकबोन नहीं रहता। तो वर्टिब्रेट्स में देखो आपका बैकबोन है, आप ह्यूमन बींग्स हैं तो आप वर्टिब्रेट्स हो गए, बर्ड्स बर्ड्स का बैकबोन होता है। तो क्या आप मुझे कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं वर्टिब्रेट्स का, कमेंट करके बताइए जिसके बैकबोन होते हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। यस सर, वर्टिब्रेट्स का ये एग्जांपल, एक एग्जांपल सब बच्चे थे। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिसका बैकबोन नहीं है, अर्थवर्म एंड स्नेल। आप कुछ और एग्जांपल सोचिए जिसका बैकबोन नहीं है इनवर्टिब्रेट्स के तौर पे। ठीक है, ये एक आपका होमवर्क समझ लीजिए, ताकि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नीचे में जहां पर कमेंट्स किए जाते हैं उस जगह पे लिख के आप मुझे बताइए एक वर्टिब्रेट्स का भी एग्जांपल और एक इनवर्टिब्रेट्स। उससे पहले सेल का डेफिनेशन भी देना जरूरी है, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, तो मैंने कुछ नाम लिखा। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर ऑक्सीजन, बहुत जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए जिस गैस की जरूरत पड़ती है डेट इज ऑक्सीजन। मेडिसिन, दवाइयां बनाया जाता है। ठीक है, आपको मालूम ही है आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत तरह के प्लांट्स से बनाई जाती हैं, डेट इज अ मेडिसिन। स्पाइसेस मतलब मसाले जो आप खाना खाते हैं, एमडीएच का खाते हैं, कैच का खाते हैं, अलग अलग कंपनीज का खाते हैं, वो स्पाइसेस भी आपके प्लांट से बनाए जाते हैं। एंड वुड, लकड़ी बहुत जरूरी है, जिस लकड़ी में से आप टेबल चेयर अपने घर का बहुत सारा फर्नीचर्स बनाते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ वुड्स, मैक्सिमम वो वुड्स के बनाए जाते हैं।
तो ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा सजेशन है सभी बच्चों को कि हमें अपने लाइफ टाइम में हर बर्थडे पर अपना एक प्लांट जरूर लगाएं, ताकि हमेशा सालों साल हमें ऑक्सीजन मिलता रहे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि सेक्शन डी तक आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप नोट कर लीजिए। सेक्शन ई का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, ठीक है। और ये नोट करके आप लोग अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, इफ यू फाइंड एनी डाउट्स इन द क्वेश्चन आंसर्स, डू कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स एंड आई विल रिस्पॉन्स योर आंसर। ओके, तब तक अपना सारा चीज पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग विद आवर साइंस पढ़े। टिल देन स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।